औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर में मोहिनी हेल्थ एंड हाइजीनिक कंपनी में अचानक आग लगने से आसपास के क्षेत्रों में अफरा तफरी मच गई। वहीं दमकल की कई गाड़ियों मशक्कत से आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि अभी तक किसी भी तरह की जानमाल की हानि की सूचना नहीं आई है। सूत्रों की माने तो कंपनी प्रबंधन की बड़ी लापरवाही देखने में आई है। जानकारी के अनुसार सोमवार दोपहर अचानक औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर सेक्टर 3 स्थित मोहिनी हेल्थ एंड हाइजीन एक फैक्ट्री में आग लगने से आसपास के क्षेत्रों में अफरा तफरी मच गई। बताते चले बगदून थाना क्षेत्र स्थित कंपनी मेडिकल हेल्थ और कॉटन के प्रोडक्ट बनाती है, जिसमें आग लगने से आग भयानक रूप से फैल गई। सही समय पर दमकल की 11 गाड़ियों की मदद से आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाने के प्रयास जारी हैं। हालांकि इस बीच बड़ी लापरवाही कंपनी प्रबंधन की देखने को मिली। कंपनी के पास किसी भी तरह से आग नियंत्रक यंत्र मौजूद नहीं थे। सुबह अचानक आग लगने की सूचना मिली। आग काफी भीषण है। आग लगने के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर मौजूद है और भारी पुलिस बल भी तैनात है। आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आग लगने के कारणों का पता भी लगाया जा रहा है। भारतीय न्यूज के लिए पीथमपुर से कामिल मेहर की रिपोर्ट। ये मोहनी फैक्ट्री में मेडिकल इक्विपमेंट का सामान बनता है, जहाँ पर काटन और काटन से बने सामान बनते हैं। और अभी तो आग के कारणों का पता जांच के बाद पता चलेगा, किंतु अभी पहली प्राथमिकता है कि आग में काबू के नियंत्रण किया जाए, जिसके लिए फैक्ट्री एरिया से और फायर ब्रिगेड से, इसमें फायर ब्रिगेड लगे हुए हैं और जो बुझाते काम कर रहे हैं, और थाना प्रभारी तारेश सोनी और उनकी टीम यहाँ लाइन ऑर्डर की सजेशन के लिए उपस्थित है। और पूरा कारण मालूम पड़ेगा जब जांच होगी, इसके बाद पता चलेगा। अच्छा, कितने दमकल की गाड़ियों से लगभग आग बुझाई जा रही है? अभी तक 10 दमकल यहाँ काम कर रहे हैं, और जिसमें आग में काबू पर करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी सर कोई जनहानि तो नहीं? अभी जनहानि नहीं। Subscribe now to most exciting channel ever.